वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या बीकॉम बीबीए सीएमए के स्टूडेंट्स हैं और आपके सिलेबस में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनपीओ, इससे रिलेटेड चैप्टर को पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 25 और 26 जो मैं आज सॉल्व करूंगा, ये डॉक्टर एस के सिंह का जो बुक्स है आपका एस बीपीडी पब्लिकेशन का, उससे क्या कर रहा हूँ मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ क्लास 11 अकाउंटेंसी से। राइट, अभी तक मैंने क्वेश्चन 1 से लेके 24 तक का आपका वीडियोस बना के, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस बना के सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे क्या किया अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, उसमें सारे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 और इसके बाद 26 क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, ये आपका क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स है। क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स है। किसका लिख लीजिए, आपका बोलता है क्वेश्चन नंबर 25 में मिथिला नारी कल्याण समिति। क्या है आपका, मिथिला नारी कल्याण समिति आपका क्या, उसका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है और 31/3/2022 का आपका क्या है डेटा दिए हुए है। राइट, यानी 31/3/2022 का रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है कि पैसा कहाँ कहाँ से आया और कहाँ कहाँ गया। राइट, और कुछ आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, पहले यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस है आपका, सब्सक्रिप्शन है, फीस फ्रॉम नॉन मेंबर से, म्युनिसिपल ग्रांट है, डोनेशन है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है, और उसके बाद क्या इंटरेस्ट, यानी ये सबसे पैसा क्या हुआ है आपका आया है और इससे क्या हुआ पैसा आपका गया है। पेमेंट्स में देखिए सैलरी दिया, रेंट दिया, कॉस्ट ऑफ कार्ड है, एक्सपेंसेस ऑफ कार्ड है, ऑफिस एक्सपेंसेज है, लीगल एक्सपेंसेज और क्लोजिंग बैलेंस है किसका, कैश एट बैंक का। राइट, ये आपका पैसा आने का और ये पैसा जाने का, ठीक है। और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोल रहा है कि बोलता है डोनेशन फॉर ₹1,000 रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड, यानी एक डोनेशन मिला है किससे रिलेटेड, बिल्डिंग फंड के नाम से रिलेटेड, लेकिन वो रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन, यानी वो गलती से सब्सक्रिप्शन में क्या हो गया इंक्लूड हो गया। एक बार फिर से, आपको डोनेशन मिला किसके लिए, बिल्डिंग फंड के लिए, तो बिल्डिंग फंड में ना जाना चाहिए वो पैसा, इन गलती से आपने क्या किया सब्सक्रिप्शन में क्या किया आपने ऐड कर दिया, तो सब्सक्रिप्शन में जो ना आपने ऐड किया, सब्सक्रिप्शन तो है नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा उसको लेस करना पड़ेगा, भैया बताएंगे आपको। और बोलता है आउटस्टैंडिंग सैलरी 31/3/2022, यानी आपका क्लोजिंग डेट में आउटस्टैंडिंग सैलरी देना भी बाकी है, कितना आपका 2000, ठीक है, और सैलरी आपका दिए कितना 30,000, यानी 30 और 2 कितना हो जाएगा आपका 32,000, कैश के फॉर्म में 30,000 पेमेंट कर चुके हैं, 2000 अभी देना है, तो टोटली आप आखिर आपको पेमेंट कितना करना है, सैलरी से रिलेटेड एक्सपेंसेस कितना होगा 32,000, ठीक है। अब देखिए इधर आपका क्वेश्चंस और इधर सॉल्यूशन, तो आपको जल्दी जल्दी सारी बातें समझ में आएंगी। तो देखिए मैंने लिखा क्या है आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ मिथिला नारी कल्याण समिति फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022। इधर हो गया एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड इनकम, क्रेडिट साइड लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इधर वाला, ठीक है। सबसे पहले क्या है आपका, ओपनिंग बैलेंस सिस्टम को मतलब नहीं है, सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन से आपका क्या हुआ पैसा आएगा ना, तो क्या लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। राइट, क्या लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन देखिए कितना है आपका 131,500, कितना है 131,500, ठीक है। इस 131,500 में जो आपका डोनेशन मिला है बिल्डिंग फंड से रिलेटेड, वो वाला क्या सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड है, तो सब्सक्रिप्शन का पार्ट नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा लेस, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे लेस कर देंगे और लिखेंगे क्या आपका, लिखेंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, क्या लिख देंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। राइट, क्या लिखेंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड के नाम से डोनेशन मिला कितना 1,000, जो गलती से कहां शामिल हो गया था सब्सक्रिप्शन में, तो 130,500 में 1,000 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 130,500, ठीक है, 131,500 में 1,000 लेस हो जाएगा, कितना बचेगा 130,500, तो सब्सक्रिप्शन कर दिए। देखिए फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, तो ये भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट, तो क्या लिखेंगे फीस फ्रॉम
फीस फॉर्म क्या लिखेंगे हम लोग? नॉन मेंबर्स, ठीक है जी। क्या लिखेंगे? फीस फॉर्म नॉन मेंबर्स। कितना आपका? 2700 रुपया। तो हम लोग लिख देंगे आपका कितना? 2700 रुपया। म्युनिसिपल ग्रांट है, आपको क्या होता है अनुदान वगैरह मिलता है, रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे म्युनिसिपल ग्रांट को, राइट। तो हम लोग लिखेंगे क्या? म्युनिसिपल ग्रांट क्या किए हम लोग मानेंगे कौन सा? रेवेन्यू रिसिप्ट। कितना आपका? 1 लाख। कितना आपका? 1 लाख। तो 1 लाख लिख दिया जी। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग, नहीं ये कैपिटल रिसिप्ट से ही जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा जी, आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। बस आपको एलोकेट कर देना है जी, कौन वाला? रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट। कितना हो गया आपका? 100, ठीक है। तो ये हो गया। आप उधर देखिए क्या सैलरी दिया है ना, यहाँ पे लिखेंगे क्या? टू सैलरी। क्या लिखेंगे? टू सैलरी ऑफ स्टाफ। टू सैलरी ऑफ स्टाफ क्या करेंगे? लिखेंगे सैलरी ऑफ स्टाफ कितना है आपका? 30,000। कितना है आपका? 30,000। और आपका आउटस्टैंडिंग कितना है आपका? लिख लीजिए 2,000। तो क्या करेंगे हम लोग? एड प्रीपेड रहता तो करते लेस। क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 2,000, राइट। तो कितना हो गया आपका? 32,000, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद रेंट, बिल्कुल रेंट जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? रेंट। क्या लिखेंगे हम लोग? रेंट। रेंट है कितना? लिख लीजिए 60,000। तो लिख देते हैं कितना हम लोग? 60,000। कॉस्ट ऑफ कार, नहीं कार्ड कैपिटल पेमेंट्स, बैलेंस शीट का असर सेट ही जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ कार जाएगा, रेवेन्यू है ना, कॉस्ट नहीं जाएगा, एक्सपेंसेस वाला जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ऑफ क्या है आपका? कार है ना। तो एक्सपेंसेस ऑफ कार कितना आपका? 10,000। कितना आपका? 10,000। तो 10,000 लिख दिए। उसके बाद क्या है? ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी रेवेन्यू पेमेंट है जी, ये भी जाएगा। क्या लिखेंगे? ऑफिस। ऑफिस क्या है मेरा? एक्सपेंसेस। ऑफिस क्या है मेरा? एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस देख लीजिए कितना है? 20,400। कितना आपका? 20,400, ठीक है। फिर क्या? लीगल एक्सपेंसेस, ये भी जाएगा, रेवेन्यू पेमेंट है। तो क्या लिखेंगे? लीगल लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस कितना आपका? 5,000। तो ये भी लिख दिया कितना? 5,000, ठीक है। उसके बाद ये तो क्लोजिंग कैश से नहीं है, ये सबका ट्रीटमेंट कर ही नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? आपका बैलेंसिंग करके सरप्लस या क्या करेंगे? डिफिसिट क्या करेंगे? निकालेंगे। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्रेडिट साइड का अमाउंट क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो 1,30,500। उसके बाद कितना हुआ आपका? 2,700। उसके बाद कितना हुआ आपका? 1,00,000। और फिर कितना हुआ आपका? 100। यानी आपका कितना हुआ? 2,33,300 है ना। एक बार क्या करें और जोड़ लें, 1,30,500, 1,30,500, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया आपका? 2,700। फिर कितना हो गया आपका? 1,00,000। और फिर कितना हो गया आपका? 100, ठीक है। 2,3, बिल्कुल सही है जी। तो आपका हो गया 2,33,300, ठीक है। इसमें लेस कर दीजिए कितना? 32,000। कितना लेस होगा? 32,000। फिर कितना लेस होगा आपका? 60,000। फिर कितना लेस होगा आपका? 10,000। फिर कितना लेस होगा? 20,400। फिर कितना लेस होगा आपका? 5,000। यानी 1,05,900 क्या आ गया आपका? सरप्लस। क्या आ गया आपका? सरप्लस। तो हम लोग लिख देंगे क्या? सरप्लस कितना आ गया? 105,900। 1,05,900 क्या आ गया? सरप्लस। और देखिए सरप्लस आएगा तो लिखना नहीं भूलिएगा, क्या? एक्सेस ऑफ इनकम। क्या आ गया? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी इनकम ज्यादा किससे? एक्सपेंडिचर से। तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। इसका क्या करें? आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या करूंगा आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसको क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर जो 26 है इधर क्या क्या लिख दिया है, इधर आपका प्रॉब्लम और इधर क्या बनाऊंगा आपका सोल्यूशन। तो आपको सारी बातें जल्दी जल्दी समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26
बोलता क्या है, फ्लोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ अमर ज्योति। किसका है आपका, अमर ज्योति पटना का क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है आपका 31 दिसंबर 2021। राइट, 31 दिसंबर 2021 क्या है, क्लोजिंग डेट। राइट, उसके बाद रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, इधर आपका पैसा आने का डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में पैसा जाने का। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है 640 कैश का। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, ध्यान से देखिए, 21 से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितना लिया है, 850, और 2022 रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितना लिया है, 25। तो ये वाला कौन है आपका एडवांस, ये वाला कौन है आपका एडवांस, क्योंकि आपका जो करेंट ईयर कौन है आपका 2021, कौन है आपका 2021। ठीक है, तो करेंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितना लिया है 850, और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड यानी एडवांस में कितना लिया है 25। तो हमको तो किस पे आपका ध्यान रखना है, करेंट ईयर वाला, क्योंकि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करेंट ईयर से रिलेटेड ही एक्सपेंसेस और इनकम को लिखा जाता है। अगर कोई एडवांस लिया है, प्रीवियस ईयर का कुछ लिया है, तो वो सब प्लस माइनस करके क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद बोलता है टिकट्स बेचने से पैसा आया है, डोनेशन से पैसा आया है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर से पैसा आपका आया है, और एक्सपेंसेस हुआ है जर्नल एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, सैलरीज, डोनेशन, टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और कौन है आपका क्लोजिंग बैलेंस। राइट, उसके बाद कुछ आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, इसको ध्यान समझेंगे। बोलता क्या है, देयर इज अ बिल्डिंग फॉर ₹20,000। ये जो आपका अमर ज्योति है ना, इसका एक बिल्डिंग है कितने का, 20,000 का। ठीक है, और उसपे बोलता है विच डिप्रिसिएशन इज कितना, बोलता है 5%, यानी बिल्डिंग पे 5% क्या करें, डिप्रिसिएशन चार्ज करें। तो चार्ज करके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। और साथ में एक इन्फॉर्मेशन और है, द टोटल मेंबर्स कितना है आपका 500, और एक मेंबर कितना देता है आपका 5 रुपया। तो 500 मेंबर्स है, एक मेंबर्स कितना देता है आपका 5 रुपया, तो 500 × 5 कितना हो जाएगा 2500 लेना है, और अभी तक लिया कितना 850, यानी कितना आपका आउटस्टैंडिंग रहेगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अमर ज्योति पटना फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। आपका एक्सपेंडिचर, इनकम, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन है, सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन। तो करेंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितना लिया, 850, कितना लिया 850। अब हमको वर्किंग नोट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट कि करेंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितना है, इस रिलेटेड आपका करेंट ईयर से रिलेटेड। तो कोई भी कैलकुलेशंस कीजिएगा ना, तो पहले क्या लिख दीजिएगा, वर्किंग नोट्स। ठीक है, देखिए सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर कितना हो जाएगा, एक नंबर में लिखते हैं ना, लिखेंगे क्या, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर। राइट, तो करेंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा, देख लीजिए करेंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा आपका, 500 मेंबर है ना, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, है ना, 500 मेंबर है। राइट, और एक मेंबर कितना देता है 5 रुपया, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 2500, यानी 2500 रुपया करेंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। लेकिन आपने रिसीव कितना किया है 850, उसमें लेस करेंगे, लिखेंगे लेस आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड रिलेटेड टू करेंट ईयर। राइट, रिलेटेड टू करेंट ईयर क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड रिलेटेड टू करेंट ईयर। आपका करेंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितना लिया आपका 850, कितना लिया 850, और लेना था कितना आपको 2500। तो देखिए कितना लेना अभी बाकी रह गया, तो 2500 में कितना घटा देंगे 850, यानी आपका हो जाएगा 1650, कितना जाएगा आपका 1650। तो ये जो आपका 1650 रुपया हुआ, ये क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा आपका, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और क्या लिख देंगे, रिलेटेड टू क्या लिखेंगे हम लोग,
करेंट ईयर। मैं आशा करता हूँ ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर कितना हो गया? 1650। अरे भैया लेना था 2500, लिए कितना? 850। तो कितना नहीं लिए? 1650। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए ब्लू पेन से लिख देते हैं, टू लिखेंगे, टू आउट क्या लिखेंगे, आउट स्टैंडिंग क्या लिखेंगे, आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या लिखेंगे, आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, राइट, रिलेटेड टू, रिलेटेड टू क्या लिखेंगे, करेंट ईयर, है ना, क्या लिखेंगे, आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर कितना, 1650। तो 1650 लेना बाकी, लिए आपका 850। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो गया मेरा, 2500। 2500 होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा देख लीजिए ध्यान से, अब उसके बाद कौन है, 22 वाला से मतलब नहीं है, हमको करेंट ईयर का डेटा चाहिए। टिकट सोल्ड, बिल्कुल सही है जी, पैसा आया आपका, टिकट सोल्ड क्या हुआ, पैसा आया, कुछ आपका ड्रामा वगैरह होते रहता है तो उसको टिकट बेचता है जी, तो रेवेन्यू रिसीट से कितना आया आपका, 355, ठीक है। उसके बाद कौन है आपका, डोनेशन है ना, फिर कौन है आपका, डोनेशन, तो लिख देंगे डोनेशन। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डोनेशन, डोनेशन आया है, कितना आया आपका, 400। डोनेशन कितना है आपका, 400। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ये भी रेवेन्यू रिसीट्स है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी क्या है मेरा, सेल ऑफ ओल्ड क्या हुआ, ओल्ड न्यूज़पेपर, राइट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी मेरा क्या है, रेवेन्यू रिसीट से, कितना, 25। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आएगा तो रेवेन्यू रिसीट, और सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर या ओल्ड असेट्स, असेट्स बेचेगा तो कैपिटल रिसीट्स, यहाँ पे क्या है, न्यूज पेपर, रेवेन्यू रिसीट्स। अगर आपका फर्नीचर रहेगा, मशीनरी रहेगा, असेट्स रहेगा तो नहीं लिखेंगे, वो कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो आपका हो गया जी। उसके बाद इधर बात कर लेते हैं क्या क्या है, जर्नल एक्सपेंसेस, तो टू लिखेंगे हम लोग क्या, जर्नल क्या लिखेंगे, जर्नल एक्सपेंसेस, राइट, कितना लिखेंगे, जनरल एक्सपेंसेस कितना लिखेंगे, 50 रुपीज, ठीक है। फिर कौन है आपका, ड्रामा एक्सपेंसेस, कौन है आपका, ड्रामा, कौन है आपका, ड्रामा एक्सपेंसेस, कौन है आपका, ड्रामा एक्सपेंसेस कितना है आपका, 200, कितना लिखेंगे हम लोग, 200, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर खरीदा, फिर बहुत सारा बल्क हो गया होगा तो बेचा होगा, ठीक है, तो न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कितना हो गया आपका, न्यूज़पेपर जो हो गया ना, न्यूज़पेपर्स कितना आपने खरीदा, आपने 300, कितना है आपका, 300, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, सैलरी, सैलरी दिया है जी, तो सब लिखते जाएंगे, सब मेरा कौन सा है, रेवेन्यू पेमेंट से, कितना आपका, 500, कितना है आपका, 500, ठीक है जी। उसके बाद कौन सा बोलता है, डोनेशन, तो डोनेशन देखिए लिया भी है और डोनेशन दिया भी है, ठीक है, अच्छी बात है। तो आपका कितना हो गया आपका, 50 रुपीज। उसके बाद क्या, टैक्स दिया है, तो टू क्या लिखेंगे हम लोग, टैक्स लिख देंगे, टैक्स कितना आपका, 25 रुपया, तो लिख देंगे कितना हम लोग, 25 रुपया। इलेक्ट्रिसिटी पे भी खर्च किया है, तो टू क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना हो गया मेरा, 335 रुपया, ठीक है। लेकिन और एक बोल रहा है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितना का है, 20,000, और उस पर डिप्रिसिएशन कितना परसेंट है, 5%। देखिए जगह का कमी है तो मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ, डिप्रिसिएशन और बिल्डिंग क्या करता हूँ, यहाँ पे निकाल के आपको दिखाता हूँ, नंबर वन हो गया ये, नंबर टू, राइट, लिखेंगे डिप्रिसिएशन ऑन क्या हो जाएगा मेरा, बिल्डिंग्स, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स कितना हो जाएगा आपका, 20,000 है ना, तो 20,000 हो गया, और 20,000 का कितना परसेंट बोलता है आपका, 5%, तो 5% हो गया, तो 20,000 का 5% कितना हो जाएगा मेरा, 1,000, कितना हो जाएगा, 1,000, तो बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन कितना हुआ, 1,000, ये भी रेवेन्यू पेमेंट से, इसको क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे कहाँ, डेबिट साइड में, तो लिखेंगे हम लोग डिप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन ऑन क्या लिखेंगे, बिल्डिंग्स, डिप्रिसिएशन ऑन क्या लिखेंगे हम लोग, बिल्डिंग्स, कितना, 1,000, कितना लिखेंगे, 1,000, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपका रिसीट्स का आइटम, रिसीट्स में लिख दिया, पेमेंट्स का पेमेंट्स में, अब जल्दी से क्या करते हैं, इसका हम लोग सरप्लस या डिफिसिट जो भी आपका फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कितना है आपका, इधर वाला जोड़ लेते हैं ना, 2500, फिर कितना, 355, फिर कितना आपका, 400, फिर कितना आपका, 25, ठीक है, तो 3280 रुपया आया, कितना आया आपका, 3280, तो आपका हो गया 3280, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा मेरा, सरप्लस,
क्या हो जाएगा सरप्लस, देख लेते हैं सरप्लस है तो आपका कितना हो गया 50। देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे आपका 200, 250, 300, 550, ठीक है 550 हो गया ना आपका 550, और आपका कितना हो गया 500, तो 1050, आपका कितना हो गया 1100, 1125 यहाँ तक आया है ना, तो लिखेंगे 1125, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद कितना माइनस कर दें 335 को माइनस कर देते हैं, फिर बचा कितना आपका 1000, ठीक है। तो आपका कितना 820, कितना है आपका 820, तो 820 क्या हो गया मेरा सरप्लस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्सेस ऑफ इनकम, क्या लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर क्या लिखेंगे हम लोग एक्सपेंडिचर, राइट, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर लिखना नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 26 क्या हो गया सॉल्व हो गया। इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आने वाले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 जितने भी वीडियोस हैं सभी का आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन बना के वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। आज का वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।